नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। संतों का जीवन आनंदमय होता है, मुनिश्री महाराज ने कहा। एक आम आदमी का जीवन कष्ट में होता है, लेकिन एक संत का जीवन परम आनंदमय होता है। गैरतगंज में विराजमान मुनिश्री निर्णय सागर महाराज बोले, एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि आप लोग लाखों करोड़ रुपए कमाते हो, लेकिन एक हाथ से भी नहीं खा पाते, जबकि मुनि महाराज एक कौड़ी भी नहीं कमाते, लेकिन दोनों हाथ से आहार लेते हैं। अंततः कष्टमय जीवन आम इंसान का है, ना कि मुनि महाराज का। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज के रायसेन जिले के गैरतगंज में रोजाना प्रवचन चल रहे हैं, जिसकी वजह से कई युवा उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। वहाँ के एक युवा व्यवसायी बताते हैं कि तकरीबन 15 साल से हम महाराज से जुड़े हुए हैं। महाराज काफी सहज और सरल हैं। सहयोगी अंकित जैन घड़ी के साथ, जिला ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है और कहाँ रहते हैं आप? मैं स्वदेश जैन, गैरतगंज से। जी, क्या महाराज जी जुड़े हैं आप? जी, महाराज जी से मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। कारण क्या है? महाराज श्री की जो चर्या है बहुत ही अच्छी है और उनका प्रभाव जो है बहुत अच्छा है। महाराज श्री से गैरतगंज के काफ़ी लोग, 90% लोग लगभग 15 साल पहले से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी भावना है महाराज। आपको कैसा महसूस हो रहा है महाराज जी आपके शहर में हैं तो? महाराज श्री यहाँ आए हुए हैं, जब से महाराज श्री आए हैं यहाँ पर, तब से एक अलग ही प्रभावना हो रही है धर्म की। आज महाराज श्री का चातुर्मास का कलश स्थापना दिन है, तो इसमें काफ़ी लोग, बहुत जगह से बहुत लोग आए। दिगंबर साधु का मार्ग क्यों चुना आपने? देखो, एक कहावत सुनी होगी आपने, जगत का ये भगत अंधा और भगत का ये जगत अंधा। आप लोगों को लगता हमारा मार्ग कठिन है, कठिन तो आपका मार्ग है। दिन में समय से भोजन उपलब्ध होने पर ही भोजन नहीं कर पाते, रात में चैन की नींद नहीं आती। जैन साधु का जीवन तो ऐसा होता है, अंदर से भी आनंदमय होता है और बाहर से भी आनंदमय होता है। आपको कठिन लगता है, जब व्यक्ति आत्मा की ओर जाता है बाहर के कष्ट कष्ट दिखाई नहीं देते, और पुण्य का उदय होता बाहर में भी कष्ट नहीं होते। आप लोगों को कितने कष्ट होते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, आप बोलते नहीं हो, अनुभव अवस्थ करते हो। आप सोच लो, थोड़ी सी बात करता हूँ आपसे मैं, आप दोनों हाथ से दिन रात कमाते हो और एक हाथ से भी समय से नहीं खा पाते हो, और हम लोग देखो एक हाथ से भी पैसा नहीं कमाते और दोनों हाथ से खाते हैं। इसलिए आपकी दृष्टि बदलना चाहिए आपको कि महाराज का जीवन कष्टमय नहीं होता, महाराज का साधु जी तो आनंदमय होता है। उसी आनंद का लाभ हम लेते आ रहे हैं 30 साल से।